मेरा मन करता है कि एकांत में बैठकर मैं तप साधना करूं, और उस तप साधना का जो पुण्य है, उस तप साधना का जो पुण्य एकाग्रित होगा, उस तप साधना का जो पुण्य हमारे पास में आएगा, उस तप साधना के पुण्य को मैं आपको समर्पित करूं। बस मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ये बात आ रही है। और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव कथा कर रही है। अपने भीतर एक बात हमेशा उतार कर रखना, एकादशी का व्रत करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना करा कि हे भोलेनाथ, मेरा मन करता है कि मैं तप साधना करूं, और उस तप साधना के पुण्य को इकट्ठा कर मैं आपको समर्पित करूं। आपके मन में जब व्रत करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में जब दान करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में तप साधना करने का जब भाव प्रकट हो जाए, तो शिव कथा कहती है, एक बार अपने पति के कानों में यह बात जरूर डालिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पशुपति व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोमवार का व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान की ये सोमवार का व्रत, ये 16 सोमवार का व्रत, ये पशुपति व्रत मैं धारण कर लूं। ये अपने मन की बात आप अपने पति से जरूर कहें, अपने परिवार में जरूर कहें। कारण, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका किया गया उपवास, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, जब आप करने के लिए बैठे, उपास करें, मंत्र जप करें, कीर्तन करें, तो आप जब जप करने या कीर्तन करने या मंत्र जाप करने या उपास करने के लिए जब तैयार हों और आगे बढ़ें, उपवास करते समय, तप साधना करते समय कोई परिवार का व्यक्ति आकर यदि आपका हाथ पकड़कर उठा दे, या आपको अपशब्द कहे, तो यह श्रेष्ठता नहीं हो। आप करो पशुपति व्रत, आप करो सोमवार के व्रत, पर निवेदन है कि व्रत करते समय, व्रत के पहले आपके परिवार वालों को, आपकी पति को, माता पिता को, परिवारजन को यह बात बता दी जाए कि हम ये व्रत कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि जब हम ये परिवार वालों को बता देंगे कि हम व्रत कर रहे हैं, तो आपके व्रत में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपके व्रत को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और आप निष्कपट भाव से भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते, निष्कपट भाव से भगवान के भजन को धारण कर सकते। कितना सुंदर वर्णन किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का। यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्त वृत्ति से हमारे परिवार वालों को यह मालूम होना चाहिए। क्या बात है, जंगो लूडो में सब जायज है। हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है, उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना।
हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है, ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग गए। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपा कर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपा कर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है, पर आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो। तो भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगा कर सुनना, आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है, बाबा हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना, और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदा लूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना, ये पुण्य का भाग। ये पुण्य का भाग। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को दे सकते हैं, क्या शंकर जी को चढ़े हुए जल का पुण्य क्या किसी को दिया जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते, क्यों प्रदान नहीं कर सकते?
एक पत्र आया है, देखिए। मेरीना विश्वकर्मा, पति श्री कैलाश विश्वकर्मा, अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना विश्वकर्मा, पति का नाम श्री कैलाश विश्वकर्मा, अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एन सेक्टर से मैं यहाँ पहुँची हूँ। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी, उनकी शादी को 9 वर्ष हो गए थे। सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं था जहां हम नहीं पहुंचे। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी भाभी देव देवता सब पूजने के बाद हार गई, तो उन्होंने फिर देवताओं का स्मरण करना भी बंद किया। तब मैं भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी, शिव की आराधना करी करती थी। गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का पुण्य दे सकते हैं, तो ये पुण्य की कथा कह रही है। मैंने जो 6 महीना भगवान शंकर की आराधना करी, उस आराधना का पुण्य मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि अगर आप सच्चे हो तो मेरी भाभी का गर्भ ठहर जाए, ऐसी कृपा करना। और बाबा 9 वर्ष के बाद मेरी भाभी के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व। एक पुण्यता अपने भीतर एक एक विचार फिर करिएगा। बड़े बड़े सावधानी की कथा है। आप लोग सोचो कि यह कथा यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कोची थी कपड़े में झटकार दी। यहां कथा अगर सुनने के लिए आए हो तो थोड़ा दिल लगाकर सुनना, मन लगाकर सुनना। हो सकता है एलईडियां थोड़ी बंद चालू हो, मना नहीं है, पर माइक की व्यवस्था आपके पास में है तो दिल लगाकर सुनो। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर अपना चित्त लगाकर सुनना, क्योंकि 3 घंटे में से केवल 2.5 घंटा आपको प्राप्त होता है, बाकी का पूरा समय आप लोग यहाँ सुबेरे 6 बजे से रात को 3 बजे से 4 बजे से इस कथा का इंतजार करते हो। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसको लोग रात को 4-4 बजे से 3-3 बजे से जगह संभाल कर बैठ कर कथा सुनते हैं। तपती हुई धूप, भयंकर गर्मी, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आना और बैठने के लिए इतना 8-8, 9-9 पंडाल लगाए गए, पर 9-9 पंडाल भी फुल हैं, उन पंडालों में जगह नहीं। धूप में छाता पकड़ना, चादर पकड़ना, साड़ी पकड़ना और उसको पकड़कर बैठे रहना, तपती हुई धूप में जहां तहां बैठकर कथा सुनना, ये दुनिया की पहली कथा है जिसको लोग कभी भूल नहीं पाएंगे कि इतनी धूप में भी लोग कथा सुन सकते। इतनी धूप, इतनी गर्मी, और केवल एक जगह नहीं, जहां शिव महापुराण की कथा का अस्तित्व होता है वहां लोग इंतजार करते हैं 3-3 बजे तक। इसको छूटने मत देना, ग्रहण कर। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा दिया है तो भोजन कर जरूर जाना, और कथा में धूप में चलकर आए हो तो भले आधे घंटे की सुनना, पर कथा में दिल लगाकर जरूर जाना, दिल लगाकर जाना, चित्त लगाकर। एक ही जगह है ना, अगर हर दिन है कमाना, कैसे इंडियस का पत्ता भी भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो आप, भगवान शंकर का पंचानंद स्नान करा रहे हो आप, भगवान शंकर के मंदिर का शिखर दर्शन कर रहे हो आप, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो भी तुम्हारी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए कि जब
किसी पर दुख की घड़ी आए, किसी पर तकलीफ आए, किसी पर कष्ट आए, हमारा करा गया पुण्य हम उसके खाते में दे सकते हैं, हम अपने पुण्य को दूसरे के खाते में प्रदान कर सकते हैं। बेलपत्र जरा ध्यान देना हो, ये बेलपत्र जो होता है इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो यह समझ लेना कि तुमने महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना, आठ महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, एक महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, दो महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, तीन महीना पूरा हो जाए, चार महीने पूरे हो गए, छह महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है, मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। बहन भाई को तिलक करती है रक्षाबंधन पर, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो, जरा लगाती है, बोलते जाओ, जरा लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो, लगाते। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता। सब समय पर चावल मस्तक पर, कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको समाप्त, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं, पर अक्षय उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति।
श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये तीन पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण, इन तीन पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, हम माताओं से हमेशा कहते हुए आए हैं, आज फिर निवेदन करेंगे, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, जिस माता के गर्भाशय में गठान पड़ गई हो, एक पत्र आया उसको भी ध्यान दो, इसका वर्णन बताते हैं। मैं गंगा बरोसिया प्रीत नगर भोपाल से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं गंगा बरोसिया प्रीत नगर भोपाल से हूं। एक चावल का दाना और एक लोटा जल, एक बेलपत्र का महत्व क्या है? इस पत्र को आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से एलईडियों पर भी पढ़ सकते हैं। हम जो पत्र पढ़ते हैं वो आप भी अपने आनंद के साथ उस पत्र को पढ़िए। मेरे पति को एक गांठ हो गई, उस गठान का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला, और गांठ इतनी विचित्र थी कि उठने बैठने में भी आफत कर रही थी। तब शिव जी पर एक चावल का दाना समर्पित करना, एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था, 22 दिन के बाद हम उनको चेक कराने के लिए गए तो गठान गल चुकी थी। एक चावल का दाना हमारे सुख का अनुभव करा दे। अगला वर्णन उन्होंने लिखा, गुरुजी बाबा ने एक कृपा तो करी, साथ में मेरे बच्चे के हाथ में सफेद दाग हो गया, तो सफेद दाग हो गया तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाना प्रारंभ करा, आयुर्वेदिक दवाई भी ली, पर वो दाग समाप्त नहीं हो रहा था। जब दाग समाप्त नहीं हो रहा था तब शंकर जी के मंदिर में जाकर समी के पत्ते का आपने जो प्रयोग बताया था वो करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से शिवजी का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाना, और पूर्णिमा के दिन गाय जो अपने बछड़े को दूध पिलाती है उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर आता है वो शरीर पर लगाना, और लगाकर उसको बैठना, उससे मेरे बच्चे के शरीर पर से सफेद दाग पूरा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा।
अक्षत, एक चावल का दाना। गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चा दानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक चावल का दाना। अशोक सुंदरी की, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? अरे बोलो, अशोक सुंदरी जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां से जो जल बहता है, इधर गणेश जी का सीधे हाथ पर स्थान, इधर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान। कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका अगर भरोसा कहता है कि मैंने जल चढ़ाया और मेरा महादेव सुनेगा, आपने सोच लिया कि मेरा महादेव सुनेगा, तो महादेव सुनेगा। और आपने अंदाजा लगा, कई लड़कियां जब शादी करती हैं तो पहले से गलत सोच बना कर आती हैं कि सास तो डेंजर होती है। कईयों के मन में भाव आता है सास बुरी होती है, सास अपशब्द कहती है, सास गाली देती है। कई लोगों से सुना, जिससे मिलो उसकी सास ऐसी हो गई, कोई ना कहा हमारी सास ऐसी थी। लड़कियों ने अपनी चित्तवृत्ति में भर लिया कि सास बुरी होती है। जब चित्तवृत्ति में भर लिया कि सास बुरी होती है, तो वो कितने भी अच्छे घर में चली जाए उसको सास बुरी ही लगेगी, ये निश्चित है। और अगर आपने मन में सोच लिया कि जो किस्मत में लिखा होगा देखा जाएगा, संसार सागर में जन्म लिया है, सुख दुख चलता रहता है, अगर कोई बेकार भी मिल गया ना, तो अपना अपना स्वभाव से मैं उसको अच्छा बना लूंगी, मुझ में वो क्वालिटी है, तो वो अच्छा हो जाए। आज के जमाने में लोगों को ना तो लिखना आता है ना विचार करना आता है। एक फेसबुक पर हमको तो आशीष ने बताया, एक फेसबुक पे लिखा हुआ था, एक फेसबुक पर किसी ने लिखा था, आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सभी मित्रों का आभार। क्या लिखा था फेसबुक पे? अरे बोलो तो जम के, आज मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सभी मित्रों का आभार। अब मित्रों का आभार क्यों दे रहा है? पुत्र तेरा है कि मित्रों का है? बोलो जम के बोलो, लिखना चाहिए ऐसा, पर स्मरण नहीं है, चित्तवृत्ति में नहीं आया है, ये आना चाहिए।
चित्त वृत्ति में आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप क्या प्रदान कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपकी चिदानंद वृत्ति में यह आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आज मेरे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सारे मित्रों का क्या लिखा है तुमने, क्या प्रदान किया तुमने, विचार कर। आभार किसका होना चाहिए था, आज मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, महादेव आपका आभार, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा, जो ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे घर में हो गई, ये आपकी करुणा से हुई, ये आपकी उदारता से हुई। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है। ये कथा हमने कल भी कहा था कि कथा और कहीं भी हो सकती थी, भोपाल में ऐसा जरूरी नहीं कि आदरणीय विश्वास भैया क्या हुई, कथा कहीं पर भी हो सकती थी, पर ये कथा आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी के यहाँ जो हुई है, हमने कल भी कहा था कि कहीं ना कहीं माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जिसके कारण बस ये आशीर्वाद के रूप में ये कथा आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को प्राप्त हुई। और वो पुण्य कैसा, जब हमने पता करा तो हमारे स्मरण में आया कि जब स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद जब दिल्ली में एडमिट हो गए और उनका इलाज चलता रहा, तब हम कभी भी जजमान परिवार से ये कुछ भी नहीं पूछते और ना हम उनसे बात करते हैं कि तुमने क्या करा क्या ना करा। हम तो हमारे जो सेवादार लगे रहते हैं, कार्यकर्ता लगे रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। तो बताया कि गुरुजी विश्वास भैया सारंग भोपाल में उस समय पर भी मंत्रिमंडल में थे जिस समय पर पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, तो यहाँ पर संभालते हुए यहाँ पर भी सारी मीटिंग अटेंड करना और रात के समय जाकर अपने माता पिता की सेवा करना दिल्ली में, ये कोई सहजता का विषय नहीं होता, और उसी का पुण्य फल उसी का। जब विजिबल वाइट सामने आए, अच्छे अच्छे अपने दांत छिपाए, कोलगेट नंद, उसी का जो पुण्य है, उसी का जो पुण्य फल मिला है, वो ये मिला है, ये उसी का पुण्य फल, ये कोई सहज नहीं। इतनी शिव महापुराण की कथा करी, पूरे भारत में करते रहते हैं, पर पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी हुई है जिसमें रेलवे स्टेशन पर भी भक्तों को लाने के लिए बस लगाई गई, उसके लिए विश्वास भैया सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद। आज तक जितनी कथा हुई उस किसी कथा में कहीं पर भी रेलवे स्टेशन से कथा स्थल तक लाने के लिए भक्तों के लिए बस नहीं लगी, पर पहली कथा ऐसी थी जिसमें भोपाल के रेलवे स्टेशन से भक्तों को यहां तक लाने के लिए बसों को निशुल्क चलाया गया। अकबर जोरदार ताली बजा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधु। कोई परेशान ना, आनंद से पहुंचे लोग कथा। हाँ, ये हम पंडाल का तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि पंडाल कितने लगा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया 8, उधर आगे बढ़ाया 9, ऐसे बढ़ाए तो बहुत, पर पब्लिक का भी है, भक्तों का कोई, शंकर के भक्त भी तो अड़भंगे हैं। और मेरा विश्वास कहता है जितने पुलिस के कर्मचारी लगे हैं ना, ये भी टेंशन में होंगे, ये आ कहां से रहे।
जो लगे होंगे ना वो भी थोड़ा सा टेंशन में होंगे कि आखिर ये कहां कहां से आ रहे, समझ में ही नहीं आता, और हर कहीं आके हर कहीं बैठ जाते हैं, जहां मर्जी पड़े वहां। कल बोल रहे थे भैया, कहने लगे गुरुजी आपके ये भक्त सुनते बिल्कुल नहीं है। हमने पूछा क्या नहीं सुनते, कही गुरुजी जो बैठ गया, हम उनसे कह रहे कि भंडारा चल रहा है भोजन कर लो, भंडारा चल रहा है भोजन कर लो, तो माताएं कहती है हमें मालूम है हम नहीं जाएंगे। हमने कहा मां क्यों नहीं जाओगी, तो कहे चले गए और दूसरा आके फंस गया तो हम भी जाएंगे। तो ये भोजन करने भी ना जाए गुरुजी, हजारों हजारों लोगों का रोज भोजन बनता है, हजारों लोगों का लाखों लोगों का रोज भोजन बन रहा, पर जाए। दंडवत प्रणाम आपको, प्रणाम, आपकी अविरल भक्ति को नमन करता हूं, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं, दंडवत, बहुत बहुत साधु। और वो यही भाव, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, अजब है भोलानाथ। पत्र चढ़ाकर हम खाते हैं वो शिवजी का स्पर्श हो जाती है, और शिवलिंग का अगर स्पर्श हो गई तो वो बेलपत्र नहीं रहती, वो शंकर की औषधि बन जाती है जो हमारा कल्याण कर दे, वो औषधि बन गई। और जब वो औषधि बन गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। आवाज यहां की खोलो, अंदर की नहीं खुल रही है। वो औषधि बन गई, औषधि हमारे कल्याण प्रद है, औषधि हमारे लिए है। एक पत्र आया देखिए, मेरा नाम तारा रजक है, मैं चार इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो तारा रजक, अगर कहीं बैठी हो तारा रजक तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो, मेरा नाम तारा रजक है, मैं चार इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी आप लोग भी एलईडी पर और आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो हमारे साथ में। मेरा नाम तारा रजक है, मैं चार इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी कलयुग में शिव युग आ गया, हमारा बाबा तो पृथ्वी पर आया कि ना आया, पर शिव पुराण अगर पृथ्वी पर भेज दी तो समझो बाबा ही आ गया। गुरुदेव मेरी जीभ पर दो गठाने थी, और मेरी जीवान पर जो दो गठान हो गई थी उनका इलाज चलता रहा चलता रहा, पर वो गठान ठीक नहीं, खाने पीने में दिक्कत आने लगी, गठान का स्वरूप बढ़ने लगा, एक गठान पहले बड़ी थी एक छोटी थी, अब गठान का स्वरूप बढ़ते बढ़ते पर ठीक नहीं हो पा रहे थे। कि हमारी पड़ोसन ने कहा शिवजी पे जल चढ़ाओ, दवाई अपनी जगह करते रहना। शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती, जल को लाती, आचमन करती, और एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी, खाना प्रारंभ करा। गुरुजी मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, एक चावल का दाना और एक लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए, मेरी गठान के जीवान की दोनों गठान के ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, मेरी गठान गल गई, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, ये कृपालु ये दयालु ये शिव है। महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओम कार। ये कोई साधारण शिव नहीं है,
उसकी अविरल भक्ति जब हमारे हृदय में विराजमान होती है तो हमें सुख का अनुभव करा देती है, हमें आनंद का अनुभव करा देती है। बहुत बड़ा हो गया है शरीर, मान लो हो भी गया टेंशन नहीं, दुख आ गया ना चिंता नहीं, रोग बड़ा हो गया ना चिंता नहीं, तकलीफ आ गई ना चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुख आ गया कोई बात नहीं, समस्या आ गई कोई बात नहीं, तकलीफ आ गई कोई बात नहीं। शिव स्तुति करें। बोलो जम के चालू कर दो, शिव के द्वार जाना चालू कर दो, किसी ढोंग और प्रपंच में मत जाओ। कहीं ढोंग प्रपंच में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर पड़ना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर पड़ जाओ और उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर दो, वो हाथ पकड़ लेगा और पार कर देगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर डरना नहीं होता, क्या डर। आप जाओ शिवालय, आप जाओ शंकर की चौखट, आप जाओ शिव के द्वार, वो संभाल। उससे निवेदन करते हो, उससे प्रार्थना करते हो, उससे बोलते हुए, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ, भोले बाबा दया बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ ना बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। पूजा पाठ भले 10-20 मिनट की करो, पूजा पाठ भले 1-2 मिनट की करो, पूजा पाठ भले आधा घंटा 1 घंटा की करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर पर भरोसा 24 घंटे करो। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चलेगा, आराधना आधे घंटे की करो चलेगा, 15 मिनट की पूजन पाठ करोगे चलेगा, पर विश्वास भरोसा 24 घंटे मेरे महादेव का करते रहना, वो मुझे संभाल लेगा, जब गिरूंगा तब मेरे सामने रहे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं,
भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा काल अधिपति, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शिव इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहता है, तुरंत आ जाता है, तुरंत पुकारा। तीन मित्र आपस में भिड़ लिए, लड़ लिए, तीन आपस में लड़ लिए, एक कहता है राम बड़ा, एक कहता है कृष्ण बड़ा, एक कहता है शिव बड़ा। एक संत ने कहा राम कृष्ण शिव सब एक हैं, इनको बड़ा और छोटा मत करो। पर तीनों, एक राम की आराधना करता, एक कृष्ण की आराधना करता, एक शंकर की आराधना करता, तीनों भिड़ गए, शांति नहीं हो रहा है। संत समझा रहे शांत हो जाओ, तीनों बराबर हैं, राम भी एक बराबर के, कृष्ण भी एक बराबर के, शिव भी एक बराबर के, नारायण ब्रह्मा सब हमारे 33 कोटि सनातन धर्म के देवता सब एक हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। पर आपस में भिड़ लिए, जंगल में गए, तीनों ने विचार करा, हम हमारे हमारे देवता को बुलाते हैं, देखें आते कि नहीं आते, कौन पहले आता है, बस देखते हैं। बुलाया, मेरे राम जी, राजा राम जी, हे मेरे राम राजा, पधारो राजा राम, पधारो राजा राम। राम जी महाराज, दूसरे ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, पधारो प्रभु। और तीसरा जो शंकर का उपासक था, एकदम भोला, जमीन पे से उठाया कंकर, हाथ में धरा शंकर और बोला भोले, जो बोला भोले, सामने खड़े थे शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए, दोनों ने कहा राम जी मैं इतनी देर से बुला रहा था, आप नहीं आए। राम जी बोले, तूने कहा हे अयोध्या के राजा राम पधारो। राम जी कहते हैं, तूने बोला अयोध्या के राजा राम पधारो, तूने राजा राम कहा, राज्य का जब राजा आता है तो ऐसे गाड़ी उठा के नहीं आ जाता है, पूरी प्रजा, राजसी, ठाट, हाथी, घोड़े, पालकी, सबको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। दूसरा बोला भगवान कृष्ण से, प्रभु आप आवा है इतनी लेट। भगवान बोले, तूने कहा द्वारिका के नाथ पधारो, द्वारिकाधीश पधारो, द्वारका के राजा पधारो। राजा आता है तो थोड़ा राजसी ठाट से आता है, तो इसके शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो के वो तो फ्री, एकदम फ्री, ना तो वो राजा है, ना वो कोई स्थान का अधिपति है, वो तो घट घट में वास करने वाला कंकर में शंकर है। जब पुकारो तब सामने, जब बुलाओ तब, जब बोलो तब तुम्हारे सामने। मेरे बाबा, दीनानाथ तो चुप हो जा, पहले इनकी सुन लूं, इनको स्तुति करना आती कि नहीं आती। तुम, तुम्हारी आवाज जरा तेज, जितने बाहर बैठे हैं, जितने सारे पंडालों में बैठे हो, एक भी पंडाल की आवाज कम नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दयाल, मैं तेरे। पूजा पाठ आधे घंटे की करो, चल जाएगा, आराधना एक घंटे की करो, चल जाएगा, पर शंकर पर भरोसा 24 घंटे करना, सोते उठते खाते पीते जहां जाओ, मेरे साथ मेरा शंकर है, इतना मानकर चलना, बस हर जगह पर शिव ही शिव नजर आएगा, हर जगह शंकर ही दिखेगा, शिव तत्व ही नजर आए, दूसरा कुछ नहीं। शिव को पाना सरल है, शंकर को पाना सबसे सरल,
सारी समस्या का हल। अब इतना ये मेरा निवेदन है, जितने मीडिया के लोग यहां बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, और जितने शंकर भगवान पर विश्वास नहीं करते वो भी यहां बैठे हैं, एक एक पत्र में, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर, एड्रेस सब लिखा है, और बाबा ने जिस जिसको दिया उसके यहाँ पत्रों का ढेर लगा हुआ है। मेरा ये पत्र आपके, इतने पत्र रखे हैं, मेरा निवेदन है एक एक में एड्रेस है, एक एक में मोबाइल नंबर है, और मेरे त्रिकालदर्शी ने जिसको दिया छप्पड़ फाड़ कर दिया वो प्रमाण है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महाकाल देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम नहीं देता, उसका देने का तरीका अलग है, उसका प्रदान करने का तरीका अलग है, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा दया करे मैं तेरे भरोसे हूँ, उसके भरोसे रहिए, उसकी प्रबल जब दृढ़ता आपके भीतर जागृत हो जाएगी, आपको लगेगा मेरा शंकर मेरे साथ चल रहा है, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई टेंशन क्या चिंता। आज कोई कह रहा था सुबेरे के, गुरुजी हमारे यहां पर कोई तकलीफ आती है तो हम विश्वास भैया को फोन कर देते हैं। हमने कहा विश्वास भैया का नंबर तुमको मिल गया क्या, कि विश्वास सारंग जी का नंबर चलता रहता है जो फोन कर देते। अरे गुरुजी वो विश्वास भैया सारंग हर साल पूरे नरेला विधानसभा की जितनी माताएं सबसे राखी बनवाते हैं तो सबसे उनका संबंध है बहन भाई का। अब बहन भाई का संबंध है तो वो हमारा भाई लगा, तो हम तो हर कभी फोन कर देते हैं, वो हमारा फोन भी उठा लेते हैं। हमने कहा भैया गजब की बात है ये, तो वो सुनते बिल्कुल बोल दो और काम हो जाए, तो इससे बढ़कर शुक्र क्या चाहिए। जैसे आपका विश्वास हुआ उन विश्वास सारंग पर, वैसा अपनी दृढ़ता अपना भरोसा एक महादेव पर भी होना चाहिए। वो है तो दुख नहीं, वो है तो तकलीफ नहीं, वो है तो कष्ट नहीं, साधो उसको, साधो। अब देते नील, मेरा दैत्य नील जिसने मां पार्वती जी का चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़ा तो उनकी समाधि को डोला रहा, उनकी तप साधना को हिला रहा, तप साधना को हिला रहा। बोलना है हम ही तो बोल ले, पहले लिख कर भेज दो, मैं थोड़ा सा लिख कर भेज दो, मैं माइक दे दो, तब साधना तब प्रमाण। पार्वती जी तब कर रही साधना कर रही, और माता पार्वती जी जब तब साधना में डूबी हुई हैं, माता पार्वती जी जब तब साधना में लगी हैं, माता पार्वती जी जब तब साधना में लीन, तब वो दैत्य नील हाथी का रूप रखकर माता पार्वती जी के चरण को हिलाया। अभी तक दैत्य नील ने चीटी बनकर माता के कर्ण पर आया, अभी तक दैत्य नील पक्षी बनकर ऊपर से निकल कर गया, अभी तक दैत्य नील
रूप बदल बदल कर भगवान माता पार्वती जी के शरीर के आसपास आया, पर चरण के पास नहीं आया था। आज हाथी बनकर चरण के पास आ गया और शिव कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो शंकर जी को, और कोई तुम्हारे मोहल्ले की माता, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग शंकर जी को जल चढ़ाकर आ रहा है या जल चढ़ाने जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट गया। केवल जल चढ़ाने से दर्शन मात्र हो गया तो पाप कट गया। दर्शन कर कर आ रहे हो। चलो जाने दो, एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहते हैं। पुराने समय का नियम निकालो, जब कोई तीर्थ कर कर आता था, ढोल मंजीरा नगाड़े बजाए जाते थे, उसको गले से लगाए जाते थे, तीर्थ कर कर आने वाले व्यक्ति के कपड़ों को एक हफ्ते तक नहीं धोया जाता था। क्यों नहीं धोते थे? उनका कपड़ा घर में झड़ाते थे, रखते थे, पटकते थे, संभालते थे, यहाँ रखा वहाँ रखा। कारण क्या था? हम तीर्थ नहीं गए, पर हमारे घर का व्यक्ति जब तीर्थ कर कर आया है तो वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो धूल है, वहाँ की जो माटी है, उस माटी से हमारा भी कल्याण हो जाए, इसलिए उस रज को हमारे यहाँ रखते हैं। ये भारत की भूमि की कुछ प्रधानता है। अरे विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं डेड, डेथ हो गया, मर गया, डेड बॉडी, एक्सपायर, मर गया। विदेश में कोई मरता है तो वो डेथ हो जाता है, एक्सपायर हो गया, मर गया। पर भारत की भूमि पर एक बेवड़ा भी मर जाए तो उसके आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। बेवड़ा मरा पर स्वर्गवासी लिखा है। क्यों? क्योंकि यह भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां राम कृष्ण का जन्म हुआ, संतों का जन्म हुआ। पवित्र गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, क्षिप्रा, सरयू, ये सब इस पावन धरा पर बह रही है। इस भूमि पर कोई पापी भी मर जाता है तो वो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है, क्योंकि ये पावन धरा है भारत।